एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ा चेंज। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है और जैसे विंटर जाने वाले होते हैं तो हो नहीं जाता, थोड़ा कोल्ड वगैरह हो जाता है और फीवरिश सा फील होता है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, अभी कोल्ड तो नहीं हुआ बट पता नहीं क्या है, लाइक थोड़ा फीवर सा भी आ रहा है और थ्रॉट में पेन है काफ़ी। तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करी, जितनी भी आई मैंने स्टडी करी है वो मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना लिया बीच बीच में से। कोई ऐसे वो नहीं है लाइक पूरा टाइम के हिसाब से नहीं है, जो भी मैंने मुझे जब मैं जो कर रही थी मैंने उसको फिल्म कर लिया। इसमें ज़्यादा खाने वाने का भी हो गया एक्चुअली, और तो जितना भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ। सो आई डिड सम एडिटोरियल एंड देन थोड़ा प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड फिर थोड़ा स्टैटिक जीके रिवाइज किया था, बस यही किया था। यू विल सी इन द वीडियो एंड आई बी बेटर सून एंड विल कम अप विद इंग्लिश स्ट्रेटजी सून इन द नेक्स्ट वीडियो मे बी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। Guys must be wondering that if she is sick then why she is eating junk food. So actually my friend came over and she didn't know that I was sick and she got me this noodles. So food waste to kar nahi sakte and acche to lagte hai mujhe, so maine socha koi nahi kha leti ho. Thank you.
So I was scrolling down Instagram and I came across this viral London strawberry chocolate dipping recipe. So, and I was also hungry and I was not studying that much. So I thought let's give it a shot because I have to have something to eat. And इसमें कुछ ऐसा करना नहीं था सो आई थॉट लेट्स ट्राई इट. सो इसके लिए यू जस्ट नीड टू इन्ग्रीडियंट्स, स्ट्रॉबेरीज एंड चॉकलेट्स. और स्ट्रॉबेरीज आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा डब्बा, एंड बस आपको देख कर लेनी है वो स्वीट हो और फ्रेश हो. और फिर उसे अच्छे से वॉश करके कट कर लेना. एंड जो चॉकलेट है वो आप डेरी मिल्क की ले सकते हैं, 20 वाली, मैंने यहाँ दो ली थी. तो आपको उसको अच्छे से मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए बॉइलिंग वाटर में आप उसे डाल देना तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी. फिर कुछ नहीं, स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर आपको अपनी मेल्टेड चॉकलेट डाल देनी है एंड इट्स रेडी. एंड ट्रस्ट मी इट वॉज़ रियली गुड. पहले मुझे लगा क्या कॉम्बिनेशन है, पता नहीं कैसी लगेगी, बट इट वॉज़ रियली गुड, मतलब सच में बहुत टेस्टी थी. सो अगर आपको ट्राई करना हो तो ट्राई कर सकते हैं.